अस्सलाम वालेकुम, वसीमा खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे स्नबिंग, स्नब करने। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बच्चे के पीछे हम लग जाते हैं, हम उसको स्नब कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बात पे हम उसको डांट रहे होते हैं। स्नबिंग आप लोगों को पता है स्नब का मतलब है डांटना। तो बाज़ोकात एक बच्चा जो होता है उसमें कोई गलती नहीं होती, मतलब बच्चे तो सब शरारती होते हैं, सब शरारत करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं कुछ कम करते हैं, लेकिन हम जो चीज़ उस बच्चे में ज़्यादा नहीं होगी अगर आप उनको दबाते इसी तरह हर बात पे स्टब करेंगे, डांटेंगे, डांट डपट करेंगे, तो बच्चा जो है वो स्टबन बन जाएगा, बच्चे की आदतों में ढीठपन आ जाएगा। और अगर एक सपोज़ उसमें कोई आदत नहीं भी है तो वो उस आदत को फिर जानबूझ के करेगा। तो कोशिश कीजिए कि स्नबिंग को अवॉइड करें, डांट डपट को अवॉइड करें। बच्चों की साइकी होती भी ऐसी है कि आपने बच्चे को जितना उसकी साइको को समझ के, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझ के उसके साथ दोस्ती करें, उससे प्यार करें। प्यार का मतलब मेरा ये नहीं कि मतलब आप उसको बिगाड़ दें, मीडियम तरीके से मीडियोकर रहें, न ज़्यादा प्यार न ज़्यादा गुस्सा। और बात बात पे बच्चे को डांटना और फिर सबके सामने डांटना, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। SATV को फॉलो कीजिए, हमारे वीडियोस को पसंद करें, हमारे पेज के पोस्ट को लाइक करें। थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात होगी। थैंक यू।